मैं पहले तो यूक्रेन से, युद्ध के वातावरण से, युद्ध की भूमि से सुकुशल भारत वापस लौटने पर बधाई देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने संकट और युद्ध की घड़ी में भी हर एक वो सुविधा विदेश से वापस बच्चों को लाने में दी। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हमारे 20,000 के लगभग छात्र यूक्रेन में थे, और जैसा आपने स्वयं भी सुना होगा, बच्चों का जो अनुभव रहा कि जैसे वहाँ 24 तारीख से युद्ध की स्थिति बनी, युद्ध शुरू हुआ, किसी के लिए भी वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन के और रशिया के दोनों ही राष्ट्रपतियों से बातचीत की, अपने बच्चों के लिए सेफ कॉरिडोर बनाने के लिए भारतीय एम्बेसी, भारतीय विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के कई केंद्रीय मंत्री पड़ोसी देशों में भी गए, ताकि अलग अलग बॉर्डर से बच्चों को रिसीव करके चार्टर्ड फ्लाइट से देश में वापस लाया जा सके। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी। मैं कई बार देखता हूं कि एक वातावरण ऐसा बनाने का प्रयास किया जाता है कि अभी आए। आप देखिए, जहां पर बम धमाके, मिसाइल्स, गोली बारूद चल रही हो, उसके बीच में से, दूसरे देश में से बच्चों को निकालने का काम माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर ऑपरेशन गंगा करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। और ये आज नहीं, सूडान की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, यूक्रेन की बात हो, यहां सबसे ही मोदी जी ने समय समय पर लोगों को निकालने का काम किया। नेपाल में भूकंप आया था, ना केवल भारत के लोगों को बल्कि बाकी देश के लोगों को भी निकालने का काम किया। आज आप तुलना करके देखिए दुनिया भर के देशों में भारत का मान सम्मान कैसे बढ़ा है। ये तभी है जब 130 करोड़ की जनता ने पूर्ण बहुमत से देश के प्रधानमंत्री को चुना। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।